नहीं कभी सर गुड आफ्टरनून सर प्लीज टेक ए सीट थैंक यू सर ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर मेरा नाम निशान सिंह है मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से कंप्लीट किया उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सीएचजेएफ यूनिवर्सिटी कानपुर से किया उसके बाद 2017 में मैंने अपना बीएड स्टार्ट किया और उसी के साथ साथ मैंने अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू की और 2019 में मुझे रेल मेल सर्विस के तहत सर्विस लगी जो सॉर्टिंग असिस्टेंट थी और अभी मैं वहीं कार्यरत हूँ और बीएड छोड़ दिया फिर कंप्लीट किया सॉरी सर बीएड का छोड़ दिया है कंप्लीट नो सर बीएड इज कंप्लीटेड 2019 2017 के साथ मैंने स्टार्ट किया तो 19 में बीएड कंप्लीट हो गया था जॉब ओके नाउ इन एडिशन टू द दिस ईपीएफओ जी दूसरी सर्विसेज के लिए भी ट्राई कर रहे हैं आप जी सर कौन-कौन सी सर एक टीचिंग से रिलेटेड जो मेरी है बीएड से रिलेटेड है और DSSSB में टीजीटी पोस्ट के लिए और अभी मैंने पीसीएस की तैयारी शुरू की है जॉब के जो भी मुझे समय मिलता है मैं उसके साथ जो मेरे पास समय होता है मैं पढ़ता हूँ और अभी मैंने फॉर्म फिल किया है अभी पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू इलेक्शन आगे जब आएगा तो मैं जरूर पीसीएस का जी सर नाउ योर नेक्स्ट टारगेट इज पीसीएस जी सर स्टेट पीसीएस पे टीचिंग यू हैव जस्ट गिवन अप नो सर टीचिंग नॉट आई एम नॉट गिविंग अप क्योंकि वैकेंसी लास्ट टाइम तो 18 में 2021 में निकली थी मैं अपीयर किया था कुछ मार्क्स से मेरा रह गया था दो तीन मार्क्स से मेरा रह गया था टीजीटी में अभी फिर से मैं निकली है DSSSB में मैं उन्हें अपीयर करूंगा और होपफुली मैं उसे क्वालिफाई कर पाऊं सोशियोलॉजी एजुकेशन इंग्लिश लिटरेचर आप डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट पोस्ट जी सर कि जो अपनी एक रेलेवेंस किसी टाइम में होती थी जी और जो अब उसकी रेलेवेंस थोड़ी सी गड़बड़ा गई है जी आफ्टर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्कीम्स एंड एक्टिविटीज वेयर इन दे आर ट्राइंग टू having their relevance again ji including to the extent of that unhone apna ye ganga jal bhi bechna shuru kar diya ji ji theek hai ji to aap kya sochte hain iski aapke dimag mein ji aisa kya karna chahiye jo iski relevance badh jaye ji uske liye department of post ki kya strength hai jis strengths ko use karke ji they can make their existence more visible sir kyunki hamara jo ek vision hai department post ka ki india's post jo priority hai wo स्पीड और एक्यूरेसी को लेके है उसी को बढ़ते हुए हम ये मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो ऑल और इंडिया में जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो पोस्टल ऑफिसर्स हैं वो 169,251 समथिंग है मुझे लगता है इनको हम यूज़ कर सकते हैं ये स्ट्रेंथ हो गई इसकी जी तो क्यों नहीं यूज कर पा रहे सर यूज कर रहे हैं हम जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बहुत सारी स्कीम है जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और बालिका से रिलेटेड एक 18 साल से कम 10 साल से कम बच्चों के लिए एक स्कीम चली है और इससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं उसे हम ओपन कर रहे हैं और जो सोशल सिक्योरिटी है उसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं विजिबल नहीं है ना विजिबिलिटी सर मैं पा रहा हूँ है क्योंकि कॉम्पिटिशन इस समय क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ कोरियर जो ओपन हो गए जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसे जो सुविधाएं आ गई उसकी वजह से थोड़ा सा चार्म कम हुआ है मैं ये मानता हूँ और मैं ये कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अभी आने वाली जो लास्ट टाइम मॉडर्नाइजेशन हुआ था प्रोजेक्ट एरो के तहत 2008 में उस तरह एक नया मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है जिसकी वजह से एक छवि जो खराब होती हुई लग रही है उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आने वाले वेदर इट इज ड्यू टू लैक ऑफ एबल लीडर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स और इट इज ड्यू टू एपैथी ऑफ द एम्प्लॉइज नो सर मैं लीडरशिप में तो कमी नहीं मानूंगा मैं नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्व नहीं कर पा रही तो दो चीज होती है एक तो लीडरशिप है जो आपके ऊपर का मैनेजमेंट है और एक नीचे का वर्कर है वर्कफोर्स जिस हिसाब का आपका सिस्टम है स्पीड पोस्ट दे कैन आल्सो डिलीवर मच फास्टर देन द प्राइवेट कुरियर्स
सर जो अभी जी हाँ बोलिए, जो अभी स्पीड पोस्ट में EMS की सुविधा है जो इंटरनेशनल पोस्टल हम भेज सकते हैं जिसमें विद इन 2 डेज आपको ऑर्डर मिलेगा, और मैं मानता हूँ कि जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है ये जो मैं काम करता हूँ उसमें डिले देखा जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, जो मोटर मिल मोटर्स होती है उसमें कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मिल मोटर्स पुरानी है जिनके चलते जो ट्रांसपोर्टेशन में कमी आ जाती है, कभी कभी ड्राइवर्स की कुछ इशू हो जाते हैं, और लैक ऑफ फंड की कमी है मैं मानता हूँ इस डिपार्टमेंट में, फिर भी हम लोग ने बहुत अच्छा प्रयास किया और पिछले एनुअल ईयर में हम लोग ने 11,000 करोड़ का बिजनेस किया था डिफरेंट ऑफ जो भी हम लोग का बिजनेस आता है उसके थ्रू, और मैं मानता हूँ इंडिया पोस्ट का जो फ्यूचर है वो अच्छा है अगर हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन करें, कुछ मॉडरेशन करें जो आज के समय के हिसाब से अगर हम उसको मॉडिफाई करते हैं तो बेहतर कर पाएंगे। सो गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, जी गेटिंग अ करियर अपॉर्चुनिटी, विल यू लाइक टू रिमेन इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? जी सर, मैं व्हाई यू आर ट्राइंग टू, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज अ सर्विस सर, teaching is a totally different service. Teaching is a totally different service. Just but yes. Still, it appears that you are still of a mind ki bhai teaching mein bhi ja sakta hu main. Sir, teaching is a factor क्योंकि उसमें कुछ portion आता है जो competitive exam में similar है, जिसकी वजह से ही मैंने job get की थी, जिसमें से reasoning, math, English और GS है, और टीचिंग में भी वो सिमिलर रहता है, तो मुझे जो मैंने कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी शुरू की थी वो टीचिंग के पर्पज से की थी, बट ड्यू टू सिमिलर सिलेबस मैंने अपॉर्चुनिटी गेट की, और अभी जो इसका स्कोप है जो जैसे मैं डबल ए के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ, टाइम ड्यूरेशन इज वेरी मच, 8 ईयर मुझे वेट करना पड़ेगा तब मैं उस डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अपेयर हो सकता हूँ, जो कि मुझे लगता है शायद मुझे बहुत ज़्यादा है, और अभी मुझे उस पोर्शन में ना जाके या उस डिवीजन में जाके मैं अभी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखा हूँ। चलिए अच्छा, ये बताइए कि आपने NCLT NCERT नाम सुना है? NCLT हाँ, इंसॉल्वेंसी, अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी हो रही हो उसकी रिकवरी एंड रेजोल्यूशन के लिए जी एक NCLT कोर्स बनी हुई है। मैं सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं रिकॉल कर पा रहे जी। आपने बैड बैंक्स का नाम सुना है? बैड बैंक्स, I'm sorry sir, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जो बैंक के अनरिकवरेबल लोन्स ले लेते जी हैं। जी जी बैड सुना है, क्या रोल है, मैं कितना उनका सीड कैपिटल है? एग्जैक्ट डेटा तो सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बैड बैंक्स जो अभी आपने मुझे सॉरी सर बैड बैंक्स जी एग्जैक्ट सर मुझे अभी सॉरी मुझे याद नहीं आ पा रहा, सॉरी सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा बैड बैंक्स। अभी आजकल न्यूज़पेपर में एक टर्म चल रही है ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड्स व्हिच इज कॉल्ड पिग बूचरिंग, सुना है पिग बूचरिंग क्या होती है? आई एम सॉरी सर मैं जरूर पढ़ूंगा, मैं शायद इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए कुछ बात नहीं, आप ये बताइए जी कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या नए इनिशिएटिव्स हैं? भाई एक मेन स्कीम लेके चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि हम हर फार्मर्स की इनकम डबल कर देंगे जी, तो इनकम डबल करने के लिए उन्होंने कुछ स्कीम्स चलाई होंगी, वैसे तो नहीं इनकम डबल हो जाएगी जी, तो या तो इनकम डबल करने का एक तरीका है कि महंगाई बढ़ा दीजिए, जो गेहूँ 40 रुपये किलो मिल रहा है उसको 80 रुपये किलो कर दीजिए, अपने आप की इनकम डबल हो जाएगी जी, और या फिर कोई स्कीम्स हैं जिससे स्कीम से टोटल प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन आउटपुट जी बढ़ेगी और जिससे उनकी इनकम डबल होगी। सर एक मैं स्कीम याद कर पाऊँ, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, किसान प्रधानमंत्री किसान उत्थान योजना करके जो स्कीम चलाई गई है, और किसान विकास पत्र भी है जो इंडिया पोस्ट के तहत एक अकाउंट है जिसे खोला जाता है। ये तो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा जी, किसान विकास अभी करंट के सर है? करंट के सर मैं एक पॉइंट याद कर पा रहा हूँ कि यूरिया, एक नैनो यूरिया करके एक इनका प्रोडक्ट आया जिसके तहत जो फर्टिलाइजेशन के तहत एक छोटे यूरिया मात्रा में लेके आप अधिक उर्वरक के तहत आप खेती करके उसको अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं, एक ये है। और
MSP एक पॉइंट है, बट अभी शायद इसमें सर मैं पॉइंट याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, आपको MSP का पता है। नाउ आई विल आस्क यू एनालिटिकल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज छोड़िए, एक एनालिसिस करते हैं जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी किसान सम्मान योजना में जी मोटा मोटी 80,000 करोड़ रुपए से 1,00,000 करोड़ रुपया लगा रही है, ठीक है जी। दूसरी तरफ डिमांड ये है कि आप बहुत ज्यादा क्रॉप्स जो है MSP के अंदर ले आइए, तो इकोनॉमी के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए और ओवरऑल वेलफेयर के लिए आपका तर्क क्या रहेगा कि दैट ऑप्शन इज बेटर और किसान सम्मान योजना वाला ऑप्शन इज बेटर? आपके पास 1,00,000 करोड़ रुपया आपको दिया गया जी, अब आपके पास ऑप्शन है। सर मैं कुछ सेकंड ले सकता हूँ? हाँ हाँ, आराम से लीजिए कुछ सेकंड। सर मैं MSP में जो इम्प्लीमेंट करूंगा 1,00,000 करोड़ रुपए, और इसमें एक सेंट्रल को एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है भाव अंतर करके स्कीम है, मैं उसको चाहूंगा कि ये इसमें इम्प्लीमेंट हो ताकि जो MSP का जो भी लोड होता है पूरा गवर्नमेंट ना बियर करके इसमें पार्टनरशिप हो प्राइवेट तथा गवर्नमेंट की। जिस प्राइवेट की पार्टनरशिप कैसे होगी सर? भाव भवन ये तो गवर्नमेंट का एश्योरेंस होती है सर, प्राइवेट तो अगर किसी बीच का पैसा गवर्नमेंट देती है। अगर किसी भी मैं मानता हूँ सेक्टर में अगर प्राइवेटाइजेशन, अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है तो उसमें जो लोगों का बेनिफिट है वो बढ़ेगा ही लास्ट में चल के। आप दो चीज में कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होइए। एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी, विच इज अ गवर्नमेंट जी। एक होता है गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्राइस, गवर्नमेंट ने बोल दिया 50 रुपए से किलो कम गेहूँ नहीं बिकेगा जी, उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड प्राइस इतना दे दिया कि कोई वो एक इल्लीगल एक्टिविटी है। अगर आपने 49 रुपये का खरीद लिया तो आप जेल जाओगे, आपको 50 का खरीदना ही पड़ेगा। यहाँ बात उसकी रेगुलेटेड प्राइस की नहीं हो रही, यहाँ प्राइस हो रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गवर्नमेंट का ही रोल है, पैसा गवर्नमेंट को ही लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास है 1,00,000 करोड़ रुपये है जी भाई, वो भी तो किसान को लाभ दे रहा है ना जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, वो भी किसान की डिमांड है जी। तो मैं इसको एनालिटिकल आंसर चाहता हूँ कि भाई ये क्यों, ये क्यों नहीं, ये क्यों तो ये क्यों नहीं। एग्जैक्ट सर मैं अभी इसको एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, I'm sorry sir। अच्छा, आप यूपी से हैं, UPPCS की भी तैयारी कर रहे हैं जी। ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम है जी, इसका इनिशिएटिव यूपी से ही शुरू हुआ जी, क्योंकि यूपी में ही ऐसा था पहले, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट ट्रेडिशनल जो है हर डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़े हुए थे जी। भदोही का कारपेट हो गया, मिर्जापुर का कारपेट हो गया, कहीं का ब्रास हो गया, कहीं का ग्लास हो गया, कहीं का चिकनकारी वर्क हो गया, कहीं का आयरन स्मिथरी हो गई, सब है। तो आप मेरे को यूपी के 10 डिस्ट्रिक्ट और उनके वन प्रोडक्ट का बता पाएंगे कौन जी? मैं प्रयास कर सकता हूँ। लखनऊ की सर जरी जरदोजी है, एक बनारस की साड़ी है, और अलीगढ़ का ताला है, और आगरा का पान है। आगरा का पान प्रोडक्ट थोड़ा लिया होगा, आगरा का पान फेमस होता है। आगरा का पीठा है, माफ कीजिए, आगरा का पीठा है, और कानपुर का लेदर जो फेमस है, और एक मलियाबाद फिरोजाबाद की जो कांच की चूड़ियाँ एक है, और इत्र कन्नौज का सर मैं अभी साथ ही याद कर पा रहा हूँ। चलिए, और ये आप बस लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से कि आप ये बताइए कि देश के जब डेवलपमेंट करते हैं जी, सो वन हैज टू टेक द लोन आल्सो, बोरोइंग्स आल्सो। यस सर। ठीक है,
ठीक है ना, जैसे हमारा 12वीं का जब हम अपना डेटा देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा है, कभी बहुत गति से बढ़ गया, कभी कम गति से बढ़ा है। वेदर इट इज अप्रोप्रिएट एंड राइट टू बोरो मनी फॉर डेवलपमेंट एंड इफ वी डू दैट देन व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट, वेदर इट इज लिंक्ड टू अ स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। सर जो बोरोइंग का जो डेटा है अभी जो बढ़ा है, मैं मानता हूँ ये जो बोरोइंग हुई है जो भी बॉन्ड्स के थ्रू हुआ है वो इंटरनल डोमेस्टिक बोरोइंग हुई है, जिसका डोमेस्टिक बोरोइंग की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जिनका एक्सटर्नल बोरोइंग ज़्यादा है। तो ये मैं मानता हूँ सर चिंताजनक उतना नहीं है। और सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोरोइंग हुई है या अदर सेक्टर से जो बोरोइंग हुई है उसमें, सॉरी मैं अभी इसको प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो बट इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट आई मीन टू से इज योर बोरोइंग शुड बी, द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट शुड बी सच दैट द इकोनॉमी शुड इटसेल्फ गिव बैक द मनी विच यू हैव बोरोड टू रीपे द मनी। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट? सर जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है यूपी में और ऑल इंडिया, मैं मानता हूँ ये एक इफेक्ट है जिसको हम बोरो करके, डोमेस्टिक बोरोइंग करके इंडिया में मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं इस समय, और जिसके तहत जो एम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो रहा है और लोगों को एक इंडस्ट्रीज जो डेवलपमेंट हो रही है नियर बाय इन्वेस्टमेंट। कैन यू कोरिलेट द बोरोइंग्स एंड डेवलपमेंट? मैं एज ए डेविल एडवोकेट मैं बोलूँगा कि आपकी जो बोरोइंग्स का पैसा है वो रोड कंस्ट्रक्शन में लेने जा रहा, रोड कंस्ट्रक्शन तो आप टोल से उठा रहे हो, और या प्राइवेट रोड डेवलप कर रहे हो। भाई आपके गडकरी जी को तो कहते सुना है ना कि मैं गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं लेता जी, वो बोलते हैं मैं गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं लेता, मेरा सारा डेवलपमेंटल वर्क मेरा है। तो शायद उनका जो तात्पर्य है वो ये है कि उनका जो अर्निंग है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो भी उनकी स्ट्रेटजी है, देयर इज अ स्ट्रेटजी दैट टोल वर्क होता है आदमी को, बोलते हैं ना सिर्फ बॉन्ड के थ्रू बिल्ड ऑन एंड ट्रांसफर स्कीम है अलग अलग, बोर्ड स्कीम ये स्कीम उसके इसके हिसाब से बनवाते हैं जी। आप सड़क बनाइए, रेवेन्यू कलेक्ट करिए, 15 साल में हमको वापस कर दीजिए हमारी सड़क हमको, बट पैसा नहीं लगाते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेन यही है ना जी सर, तो वो तो बोलते हैं हम नहीं पैसा ले रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट से। सो व्हाट आर द अदर स्ट्रेटेजिक इश्यूज वेयर दिस बोरोइड मनी इज बीइंग यूज्ड? बोरोइड मनी फर्स्टली इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड सॉरी सर मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जो शायद बिकॉज़ इट इज वेरी क्रिटिकल इश्यूज आई एम सॉरी थिंकिंग में जाएंगे। अच्छा आप तो सिंपल सिंपल चीज ही पूछते हैं आपसे। आप ये बताइए कि इलेक्शन के अंदर जी रिटर्निंग ऑफिसर का क्या रोल होता है? हु इज द रिटर्निंग ऑफिसर? हाउ मेनी रिटर्निंग ऑफिसर्स आर देयर इन अ स्टेट? And what is the role of the returning officer? Fair and fair election हो, मैं मानता हूँ उनका ये एक main one of the main reason हो सकता है जो भी returning officers हैं। और जो quantity है sir, जो how many in state particular state sir, मैं इसका अभी मुझे idea नहीं है। और जो एक particular post है वो शायद DM को, मैं exact sure नहीं हूँ, but DM या वहाँ के जो SDM है पर्टिकुलर जिले के वो शायद हो सकते हैं। VVPAT का तो नाम सुना ही होगा जी सर, तो बहुत उसमें आ रहा है आजकल जी, इसका फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइबल वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, सॉरी पेपर ऑडिट ट्रेल जी। सो क्या करता है ये सर? व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड? 2013 सर जहाँ तक मैं याद कर पाता हूँ, 13 14 शायद, मैं आई एम नॉट श्योर बट
ट्रायल में यूज किया था जी। सो वी इट वाज आउटकम ऑफ सम कोर्ट केस। अभी सर कोर्ट केस चल रहा था? नहीं, पहले भी ये कोर्ट केस की वजह से आया था। आई एम नॉट श्योर सर अबाउट दिस वीवीपैट सर। हाँ, एक कोर्ट केस मुझे याद आया, कोर्ट केस के तहत आया था, जिसमें केस का जो एक मुद्दा था वो ये था कि उनको शायद उस मशीन पे पूरा प्रॉपर भरोसा नहीं था, जिसके तहत फिर ये इसे इंक्लूड किया गया वीवीपैट को। और इसके अंतर्गत सर जो भी वोट पड़ता है आपको इसमें, अभी इसको यूज करते हैं वीवीपैट को? जी सर, अभी जो एक तो वोटिंग के टाइम में यूज हुआ जी, बट इसका बट इससे चेकिंग करते हैं कुछ? जी सर, चेकिंग करते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दो जगह रैंडमली चेक करते हैं और इसका डेटा को मैच किया जाता है फॉर वेरिफिकेशन। दो जगह ज्यादा? पांच सर, सॉरी माफ कीजिए, पांच जगह वेरीफाई किया जाता है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की पांच जी पोलिंग स्टेशन जी, पांच पोलिंग स्टेशन को इसका ईवीएम के जो भी वोट्स पड़े हैं उनके। व्हाट इज द डिमांड ऑफ द ऑपोजिशन? डिमांड ये है सर कि 100% इसे कर देना चाहिए, जो कि फीसिबल नहीं है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर इसको 100% कर देंगे तो बैलेट और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। कोई अंतर नहीं है जी। ओके, थैंक यू। निशांत, शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताइए। एक्सास मैं हिंट देता हूँ, उसमें तीन लिस्ट्स हैं, कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। शुरू से बताइए, लिस्ट वन कौन सी होती है? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। ठीक है, अब उसमें बताइए मेरे को कि लेबर कौन सी उसमें आता है लिस्ट में? सर लेबर थर्ड में आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। और कौन कौन से एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जो लेबर से जुड़े हुए हैं? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, फॉरेस्ट है, एजुकेशन है। नहीं ये नहीं, मैं लेबर से रिलेटेड और भी कौन कौन सी चीजें जो मेंशन है उस लिस्ट में, है कोई आइडिया? लेबर से रिलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है जैसे? हाँ यस सर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। अब मेरे को एक बात बताइए जी, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है आपको लगता है कि लेबर एज अ सब्जेक्ट उसको हमने कॉन्करेंट लिस्ट में रखा हुआ है, उसको हम लोग स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट में क्यों नहीं रखा हुआ है? तो मुझे लगता है लेबर ऐसा टॉपिक है जिसमें सिंगल यूनियन इसको हैंडल ना करके, ये जमीनी स्तर का मुद्दा है, मैं मानता हूँ ऊपर से ना होके जो नीचे से इसका उत्थान हो वो बेहतर है, तो उसके लिए जो लोकल बॉडीज या स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से इसका इनिशिएटिव करें। फिर तो बेटर था कि स्टेट लिस्ट में रखते इसको। सर ऐसा मैं इसको उचित नहीं मानता, इसे कंकरेंट लिस्ट में रहना बहुत मैं मानता हूँ सूटेबल है, क्योंकि कुछ इम्प्लीमेंट कुछ पॉलिसीज होती है जिनका जो एक इम्प्लीमेंटेशन होता है यूनियन लेवल से ही बनता है, जिससे एक एक जो रूल अच्छा ड्राफ्ट होता है। वो बताइए कि ये अभी कोडिफिकेशन हुआ है लेबर लॉस का, वो चार कोड्स में बांटा गया जी, चारों कोड्स के नाम बताइए। सर एक कोड ऑन वेजेस 2019 है, एक सोशल सिक्योरिटी है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, और एक फोर्थ सर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ऑफ ऑक्यूपेशनल कंडीशंस, यस ये वाला। थैंक यू। इन लॉज के, इन कोड्स के इम्प्लीमेंट होने के बाद बताइए, स्टेट लेबर लॉज जो है, स्टेट मशीनरी, उस पर कुछ असर पड़ेगा, और अगर हाँ तो फिर क्या असर पड़ेगा? सर अभी इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया, अभी जो प्रीवियस जो भी लॉज चल रहे हैं स्टेट डिफरेंट ऑफ स्टेट्स में, वही अभी कुछ जगहों पे चल रहे हैं, कुछ जगह पे अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है ये? सर एक यूपी में शायद नए जो कोड्स हैं वो, हाँ कोड ऑन वेजेस शायद, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, बट शायद यूपी कोड ऑन वेजेस शायद इम्प्लीमेंट है। तो स्टेट लेबर लॉज पे मेरा सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए कि स्टेट लेबर लॉज जो हैं अभी एक्सटेंड, उनके ऊपर इन नए कोड्स के लागू होने से क्या असर पड़ेगा? जो अभी न्यू कोड्स हैं उसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी से जो मैंडेटरी बेनिफिट है जैसे 12 से 26 कर दिया, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो वुमेन के इम्प्लीमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और जैसे चाइल्ड से रिलेटेड एक रूल बनाया है जिसमें आप जो फैक्ट्रीज हैं हजार्डस फैक्ट्रीज उसमें एब्सोल्युटली बैन कर दिया गया है, वो एक बेनिफिट हो सकता है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में भी कुछ चेंज हुआ है जो आपको कुछ आइडिया हो अगर? इंडस्ट्रियल सर मैं अभी इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर 9 लॉज को मर्ज किया जा रहा है जी, आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में बताइए 9 में से कितने रिकॉल कर पा रहे हैं आप? सर एक है ESIC, EPFO, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, मिनिमम वेज,
मिनिमम वेज नहीं है, सॉरी कौन से कोड में आएगा मिनिमम वेज? वेज ऑफ कोड, कोड ऑफ वेजेस में आएगा, 2019 में आएगा। और बताइए, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, सॉरी सेफ्टी एंड, चलिए आई एम सॉरी, सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन बताइए। सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन शॉर्ट में, बिल्कुल क्रिस्प डेफिनेशन चाहता हूं मैं आपसे। एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को अगर जो भी उसकी भविष्य निधि रिलेटेड, पेंशन रिलेटेड, उसको सोशल सिक्योरिटी इसे बेनिफिट प्रोवाइड करा जाता है, असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट की तरह, उसे हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। अच्छा, तो क्या ये गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती है, कोई प्राइवेट बॉडी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती? हो सकती है सर, अगर तो फिर डेफिनेशन तो इनकम्प्लीट हो गई। डेफिनेशन का तो यही मतलब होता है कि एक बेसिक आउटलाइन जो है उसके बारे में हमें आइडिया लग जाए, है ना। तो और बेटर डेफिनेशन ट्राई करिए एक बार सोशल सिक्योरिटी की। अगर मैं पूछूं कि आपको एक लाइन उसके बारे में ऐसी बताइए जिससे समराइज हो जाए सोशल सिक्योरिटी, किसी पर्सन की फॉर बेट फॉर फ्यूचर प्रोविडेंट फंड रिलेटेड और पेंशन रिलेटेड और एक्सीडेंटल कवरेज रिलेटेड, जो भी एक्सपेक्ट है उनको कवर करने के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, PSUs, NGOs और गवर्नमेंट सेक्टर, अगर ये तीन एग्जिजेंसी आपने बताई, प्रोविडेंट फंड, पेंशन और एक्सीडेंट, इसके अलावा बताइए क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं सोशल सिक्योरिटी के? मैटरनिटी बेनिफिट हो सकता है सर, और एक मिनिमम वेज हो सकता है, और सेफ्टी एक फैक्टर है। अच्छा बताइए कि मैटरनिटी बेनिफिट के लिए अभी फिलहाल कौन कौन सी स्कीम्स हैं अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, बताइए जितनी भी आपको याद आती हैं इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जो इंडिया गवर्नमेंट, कौन इम्प्लीमेंट करता है उसको? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है, और मैटरनिटी स्पेसिफिक मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एक सर मैं और शायद ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, सॉरी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताइए थोड़ा बहुत। EPFO में कुछ मैटरनिटी रिलेटेड है बेनिफिट्स जी, क्या है जैसे बताइए? EPFO में मैटरनिटी रिलेटेड बेनिफिट नहीं है सर, मैं जो एक इसका अलग से एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, उसके तहत ESIC में बताइए कुछ है। हां ESIC में है, क्या बेनिफिट्स हैं ESIC में? अगर कुछ भी कोई भी महिला अगर मैटरनिटी बेनिफिट लेना चाहती है तो 26 वीक तक उसे लीव अवेल कर सकती है, अगर वो ESIC का मेंबर है तो। ठीक है, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से किस तरह अलग है ESIC के प्रोविजंस, या सेम है? सेम सर, मुझे ऐसा लगता है। श्योर हैं आप? अच्छा ये बताइए, सोशल सिक्योरिटी के लिए EPFO ESIC दो बड़े पिलर्स हैं हमारे पास जी, सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, व्हाई डोंट वी मर्ज बोथ ऑफ देम? ऐसा नहीं हो सकता कि एक बहुत बड़ी सी और संस्था क्रिएट हो जाएगी विच विल बी ऑफ अ बिगर स्केल, उसे आप, क्या ये फिजिबल है आपके हिसाब से, और हाँ तो फिर इसके क्या फायदे और क्या नुकसान देखते हैं आप? सर ये फिजिबल तो है बट मुझे लगता नहीं इसे मर्ज करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत वास्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट अगर यूज करे, एक सेपरेट बॉडी हो तो ज़्यादा अच्छे से उसे अपना वर्क कर सकती है, जैसे ESIC प्रोडक्ट फंड रिलेटेड, पेंशन रिलेटेड और इंश्योरेंस रिलेटेड काम करती है, और ESIC जो हेल्थ रिलेटेड, सिकनेस रिलेटेड काम करती है, और EPFO जो है आपकी ESIC पेंशन भी देती है? ESIC हाँ, नो सर आई एम नॉट, नहीं देती, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, की पेंशन देती है? देती है ESIC also gives pension. अब बताइए, अब थोड़ा ओवरलैप लग रहा है तो अब फिजिबिलिटी दिख रही है? थैंक यू सर, सॉरी सर। सो निशांत यू आर करेंटली वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? जी सर। ओके, तो यू हैव वर्क इन टू वेरी डिफरेंट प्लेसेस, निजामाबाद एंड कानपुर जी। So contrast, how did you see those differences between these two places? So जो मैंने observe किया है वो population का एक है, और क्योंकि हमारा जो कानपुर है बहुत ओवर पॉपुलेटेड है, और जो निज़ामाबाद है वो लेस पॉपुलेटेड है, जिसकी वजह से resources का जो utilization है वो अच्छे से हो पाया, वहाँ पे resources अच्छे से utilize हो गया, in the sense कि वहाँ पे जो भी सफाई है उसे मैं ज़्यादा observe करता हूँ, वहाँ more cleaner है, air cleaner है, एटमॉस्फेयर क्लीन है, यहाँ पे थोड़ा सा अभी कंस्ट्रक्शन या वर्क की वजह से ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूटेड है, और एक मैं
एक लैंग्वेज नॉट टेल मी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑफिस कल्चर ऑफिस कल्चर में अगर मैं बोलूँ तो सर मुझे लैंग्वेज अगर एक मुझे इशू था बट कि मुझे वहाँ पे ज़्यादा मुझे लगता है सूटेबल रहा है क्योंकि मोर ऑर्गेनाइज मैं कहूँगा साउथ का जो मुझे वो ऑफिस लगा मैंने वहाँ पे दो साल इलेबोरेट मोर क्या ऑर्गेनाइज से क्या मतलब है सर जैसे मैंने यहाँ पे फील किया है कि चीज़ें वर्क पेपर पे होती हैं बट ऑन द ग्राउंड कुछ साइज से डिस्क्रिपेंसीज रहती हैं वहाँ पे ऐसे डिस्क्रिपेंसीज नहीं है अगर जो वर्क पेपर पे है वही वहाँ पे इंप्लीमेंट होता है मैंने ये फील किया लेबर से रिलेटेड वहाँ पे लोगों का वेजेस ज़्यादा है कैजुअल लेबर का वेज वहाँ पे अराउंड 900 या 1100 अभी हो गया है 1000 हो गया है सॉरी और यहाँ पे जो अभी है वो 600 समथिंग है और अभी मैं अपने जो अपने ऑफिस की एक प्रॉब्लम पाता हूँ वहाँ पे अच्छा नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड या एक होता है ना ब्रेकअप तो वो आपको क्या लगता है डिफरेंट है निज़ामाबाद में और कानपुर में नेचर ऑफ सर्विसेज सर सेम है मैं ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मतलब लोगों के यूजेज का पैटर्न कि लोग सेम तरह की सर्विसेज सेम प्रोपोर्शन में यूज़ कर रहे हैं हाँ सर दोनों जगह पे जी सर ये सेम ही है क्योंकि जो वहाँ पे ठीक है तो अभी सर ने भी आपसे पूछा था कि जो अपना स्पीड पोस्ट के बारे में बात हो रही थी तो अगर आप स्पीड पोस्ट को कंपेयर करो अपनी प्राइवेट कोरियर कंपनी से जैसे बहुत सारी हो गई मार्केट में तो उनसे अगर आप कंपेयर करो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों आप बताओ सो प्रोज अगर मैं बोलूँ तो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट अच्छा होता है चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो अच्छा होता है तो एक ये प्रोज है सेकंड प्रोज मैं ये कह सकता हूँ हम उनको उनकी जो भी एक प्लस पॉइंट है उनको हम अपने में इंक्लूड कर सकते हैं कॉन्स की सर मैं बात करूँ कि जो एक रेट है जो प्राइवेट सेक्टर का वो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा है कंपेयर टू इसका अगर एक अगर एक लेवल पे लाया जाए तो मैं मानता हूँ ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा लोगों को और कॉन्स में अगर एक कॉल में से प्राइवेट सेक्टर इज मोर एक्सपेंसिव जी तो फिर लोग क्यों इंडियन पोस्ट को ऑप्ट नहीं करते सर ऐसा मैं फील नहीं करता इंडिया पोस्ट को लोग ऑप्ट करते हैं इवन बड़े बड़े कोरियर जो पार्सल्स आते हैं वो इंडिया पोस्ट के तहत चीपर अच्छा, आपको आइडिया है कि ये जो जैसे जो बड़ी कोरियर कंपनीज हैं इनका कितना मार्केट साइज है मतलब कितना ये लोग बिजनेस करते हैं बिजनेस एग्जैक्ट फिगर मैं मुझे आइडिया नहीं है बट अच्छा इंडियन पोस्ट का टोटल कुरियर स्पेस में या टोटल ई कॉमर्स डिलीवरी स्पेस में कितना मार्केट शेयर होगा 20% आई एम नॉट रियली मच श्योर अबाउट दिस बट आई एम नॉट रियली मच श्योर अबाउट दिस ओके ठीक है तो इस 20% अगर मान लेते 20% भी है तो 20% भी आपको कम है काफ़ी अगर क्योंकि वो चीपर भी आप बता रहे हो और बेटर फास्टर भी है एक इंडिया पोस्ट की एक ये ड्रॉबैक्स हैं जिसमें से मैं आपको इंक्लूड करना चाहूँगा क्योंकि जो हम लोग का एक सोशल बेनिफिट के लिए हमारा हम लोग ने चीप प्राइस को हमेशा चीप ही रखा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग इसको सेवा ले पाए इसकी वजह से जो एक अमाउंट आता है उस कंपेयर टू प्राइवेट कोरियर्स कम आता है क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट का ज़्यादा कस्टमर मिलने चाहिए ना आप सस्ता बेच रहे हो जी जैसे कोई आप समझो कोई इंडस्ट्रियल स्केल पे काम कर रहा है जी ई कॉमर्स कंपनी है जो डेली 10,000 पार्सल भेजती है अगर इंडियन पोस्ट सस्ता है तो उसको डेफिनेटली उसी से भेजना चाहिए सर लॉजिस्टिक्स का एक इशू है हमारे डिपार्टमेंट पोस्ट में जो एक बैग को कैरी किया जाता है उसमें थोड़ा सा इशू है क्योंकि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज देखी गई हैं जिसमें बैग डैमेज हो जाता है आर्टिकल डैमेज हो जाता है सेफ्टी फॉर द सेफ्टी ऑफ द आर्टिकल मुझे ऐसा फील होता है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट या अदर लोग हैं वो उसे थेफ्ट की भी प्रॉब्लम है क्या इंडियन पोस्ट में थेफ्ट हाँ सर ये पाया जाता है पैकेजेस थेफ्ट हो जाते हैं जी सर ये इशू पाया जाता है मतलब मैं तो अगर मान लो आप अभी तो इस पोस्ट पे नहीं हो आप मान लो सीनियर पोस्ट पे चले जाओगे कभी और आपको आपके नोटिस में आएगा कि किसी ने थेफ्ट कर लिया है तो फिर आप क्या प्रोसीजर अपनाओगे जो सर प्रोसीजर होगा मेरा पहले तो मैं नोटिफाई करूँगा आइडेंटिफाई करूँगा कैसे कहाँ से ये
डिस्क्रिपेंसी हुई है, कहाँ से ये लास्ट आर्टिकल कहाँ पे रिसीव हुआ है, जहाँ से ये चोरी हुआ है, और जो भी उससे संबंधित अधिकारी हैं या जो भी लोग हैं मैं उनसे पूछताछ कराऊंगा एक, और जो मुझे अगर मुझे पर्सन मिलता है तो इसकी रिकवरी के लिए जो भी अमाउंट हो उसका वो सबमिट करा के उसके प्रति जो भी लीगल कार्रवाई हो सकती है वो मैं लेना चाहूँगा। आप मेरे को इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट का पूरा हायरार्की बताओ, सबसे जूनियर एम्प्लॉय से लेकर सबसे सीनियर। सर पहले सेक्रेटरी, सबसे जूनियर से सबसे सीनियर, जूनियर से सीनियर। सर पहले तो GDS मैं याद कर पा रहा हूँ, फिर MTS, फिर जो मेरा डिपार्टमेंट है वो RMS का डिपार्टमेंट है, तो उसमें सॉर्टिंग असिस्टेंट, देन हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद फिर असिस्टेंट ASRM, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ मैनेजर और रेल मेल सर्विस, और SRM सुपरिटेंडेंट मेल ऑफ सर्विस, फिर SSRM सीनियर सुपरिटेंडेंट मेल ऑफ सर्विस, देन सर PMG पोस्ट मास्टर जनरल, फिर CPMG चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, और फिर उसके बाद सर शायद मैं याद कर पाऊँ शायद सेक्रेटरी लेवल पे। तो आपको लगता है प्राइवेट में इतनी हायरार्की होती होगी, ये कोई भी डिलीवरी में या किसी में भी? सर मुझे लगता है होती होगी, होती मुझे क्योंकि सर इतना बड़ा ये नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, इतने सारे पिन कोड्स हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर विदाउट हायर की। अच्छा ठीक है, मैं अपना क्वेश्चन बदलता हूँ। आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि बहुत हायरार्कीज है जी, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत कम हायरार्कीज है, लेट्स से सिर्फ 4 लेवल ही हैं जी, तो इन दोनों में से आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहोगे? सर मैं जिसमें ज़्यादा हायर किया है, क्योंकि मैं सर अभी वही वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे अभी मैं ऑल राइट दिस इज फॉर माय सेल्फ। ओके निशांत, तुमको कैसा लगा अपना इंटरव्यू? सर यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट? आई एम अंडर कॉन्फिडेंट सर, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा। तो आपका कॉन्फिडेंट शेक हुआ इंटरव्यू से? जी जी जी, उससे पहले आप थोड़े ज़्यादा सोच रहे थे, अभी आपको थोड़ा सा, अभी शायद मुझे सर ज़्यादा, अभी मैं सर पूछना चाहता हूँ ये इंटरव्यू ओवर हो गया है तो मैं इंटरव्यू ओवर ओके, तो सर शायद जॉब के रिलेटेड मैं अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर